दोस्तों, अगर आप भी एक पेंशन धारक हैं और आप भी अपनी पेंशन का इंतज़ार कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पेंशन धारकों को सरकार की तरफ से बड़ी खुशखबरी जारी कर दी गई है। लाभार्थियों को 1 अक्टूबर 2022 से डबल पेंशन मिलने वाली है। वह कैसे और किस प्रकार से, हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपकी पेंशन रुकी हुई है, चाहे वह अगस्त की हो, सितंबर की हो, या फिर दोस्तों आपकी जो पेंशन है वह कई महीने की रुकी हुई हो, तो दोस्तों आपकी पेंशन आपको जल्द ही मिलने वाली है। साथ ही आपकी पेंशन चाहे वृद्धावस्था है, यानी कि बुजुर्ग पेंशन है आपकी, चाहे दिव्यांग है या फिर विधवा पेंशन है, तीनों पेंशनों के बारे में हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने जा रहे हैं। आपसे हमारा छोटा सा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी जारी हो चुकी है। अगर आपकी पेंशन रुकी हुई है और आप पेंशन का इंतज़ार कर रहे हैं, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अक्टूबर माह में दोनों महीने की पेंशन एक साथ ट्रांसफ़र होने जा रही है। दोस्तों, हम आपको यहां पर दो ऐसे बड़े राज्य भी बताएंगे जिनकी पेंशन दोस्तों उनके अकाउंट में जल्द ही ट्रांसफ़र होने वाली है और पेंशन बढ़कर अब की बार दी जाएगी। दो बड़े राज्य आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, चाहे आपकी पेंशन बुजुर्ग हो या फिर दिव्यांग पेंशन हो या विधवा पेंशन हो, तीनों पेंशनों के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर पहला राज्य जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहला राज्य है आपका हरियाणा। हरियाणा के निवासी भी काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी पेंशन कब ट्रांसफ़र की जाएगी। दोस्तों, जिन लाभार्थियों की पेंशन अगस्त महीने की नहीं आई है, उन तक नहीं पहुंची है, तो अब दोस्तों उनकी पेंशन सितंबर माह के पेंशन के साथ ही मिलने जा रही है। यानी कि अगस्त और सितंबर महीने की पेंशन एक साथ लाभार्थियों को मिलेगी जिनको अब तक अगस्त महीने की पेंशन नहीं मिली है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि जो भी लाभार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अब तक पेंशन नहीं बनवाई हैं और वह पेंशन को बनवाना चाहते हैं, तो वह अपने राज्य की, चाहे आप किसी भी राज्य के हों, अपने राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर दोस्तों आप ऑनलाइन माध्यम से पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर अपनी पेंशन को अप्लाई करा सकते हैं, जिससे कि आपको पेंशन मिल सके और दोस्तों आपको लाभ मिले। चलिए आगे, नेक्स्ट राज्य यहाँ पर दिया गया है दिल्ली। दोस्तों, दिल्ली पेंशन धारक भी काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अब वह इंतज़ार समाप्त हो चुका है। सरकार की तरफ से बड़ी खुशखबरी जारी कर दी गई है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में जो लाभार्थियों को पेंशन दी जाती है वह 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन ट्रांसफ़र होती है, लेकिन जिन पेंशन धारकों को अगस्त महीने की पेंशन नहीं मिली है, उन्हें सितंबर की पेंशन के साथ ही अगस्त की पेंशन भी प्राप्त होगी। यानी कि दोस्तों आपकी जो एक महीने की पेंशन है 3,000 रुपये, 3,000 रुपये अगस्त महीने की प्लस दोस्तों आपकी सितंबर महीने की 3,000 रुपये, यानी कि 6,000 रुपये आपको एक साथ अक्टूबर में मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी पेंशन को देखना चाहते हैं कि आपकी पेंशन आई है या फिर नहीं आई है, तो आप अपने राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा और लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं आपकी पेंशन आई है या फिर नहीं आई है, अपना नाम देख सकते हैं। यदि आपकी कई महीनों की पेंशन रुकी हुई है, तो दोस्तों आप अपनी पेंशन को, अपने फॉर्म को ज़रूर चेक कराइएगा। हो सकता है कि आपकी पेंशन में कोई मिस्टेक हो, कोई डेट ऑफ बर्थ में गलत हो, या फिर किसी भी तरह की मिस्टेक पा सकती है, तो दोस्तों आप उसको सही कराइएगा और अपनी पेंशन का लाभ उठाइएगा।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि एक अक्टूबर को आपकी पेंशन ट्रांसफ़र हो जाएगी। दोस्तों यदि आपका कोई भी सवाल है तो सवाल कर सकते हैं, आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको मिल सके और उसका लाभ आप उठा सकें। अब चाहते हैं आपसे इजाज़त और मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।